हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में सीनियर ऑडिटर 2018 का पेपर डिस्कस करेंगे। वीवर्स, ये पेपर एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने 2018 में मुनक्किद किया था। सीनियर ऑडिटर का पार्ट वन पहले हम डिस्कस कर चुके हैं जो ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, और पार्ट वन का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इस वीडियो में सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। काफी डिफिकल्ट लेंथी क्वेश्चंस हैं, कोशिश करते हैं इन्हें सॉल्व करने की। चलते हैं क्वेश्चंस की जानिब। क्वेश्चन नंबर 21, विच सिस्टम प्रोड्यूसेस इंफॉर्मेशन यूज्ड फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन, बजटिंग, कॉस्ट कंट्रोल, परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग एंड मेक बाय डिसीजंस। सिस्टम का पूछा गया है वो कौन सा सिस्टम है जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए यूज होता है। इनमें से कोई सिस्टम भी इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए यूज नहीं होता। तीनों ऑप्शन सूटेबल नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है नन ऑफ दीज। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, द ऑर्डर ऑफ द एंट्रीज मेड इन द लेजर इज बाय। लेजर में जो एंट्रीज की जाती हैं वो डेट वाइज की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इन जनरल स्पेशल जर्नल वुड नॉट यूज टू रिकॉर्ड। स्पेशल जर्नल लेजर जो होता है उसमें डिप्रेसिएशन को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 24, सब्सिडियरी लेजर आर यूज्ड इन मैनुअल अकाउंटिंग एनवायरमेंट्स। व्हाट रूल इज comparable to a subsidiary ledger in a computerized environment? Master file. Option B is correct answer. Question number 25, which of the following is an archive file? A file of accounts receivable that have been written off. Option A is correct answer. Question number 26, when determining the batch size, which consideration is the least important? Compiling with legal mandates. Option C इसका correct answer है। Question number 27, data flows diagram depict logical tasks that are being performed but not who is performing them. Option C इसका answer है। Question number 28, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। चार स्टेटमेंट्स दी गई और पूछा गया इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। वीवर्स, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए में जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। मैनुअल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द अनएडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस। जो मैनुअल स्टेटमेंट्स होती हैं वो अनएडजस्टेबल ट्रायल बैलेंस की बेस पे तैयार की जाती हैं। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। Question number 29, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम दी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो हमेशा ट्रायल बैलेंस से तैयार की जाती हैं। ट्रायल बैलेंस की मदद से फाइनल स्टेटमेंट्स को तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, विच सिचुएशन इंडिकेट ऑन इंटरनल कंट्रोल रिस्क इन दी जनरल लेजर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, GL R/FRs। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दी एम्प्लॉई हु मेंटेन द कैश रिसीट्स जर्नल रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस ऑन द अकाउंट रिसीवेबल सब्सिडियरी लेजर। क्वेश्चन नंबर 31, विच बेस्ट डिस्क्राइब्स अ बैच प्रोसेस ऑफ जनरल लेजर सिस्टम। GLS स्टैंड्स फॉर जनरल लेजर सिस्टम। Option C is correct answer. There is a time lag between transactions, processing and posting to the general ledger. Question number 32. An advantage of batch general ledger system GLS is that separation between authorization and transactions processing is strictly enforced. Option B is correct answer. Question number 33, which of the following statement is not true? तीन स्टेटमेंट्स दी गई हैं और पूछा गया इनमें से कौन सी स्टेटमेंट दुरुस्त नहीं है। वीवर्स ये जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं ये तीनों स्टेटमेंट्स दुरुस्त हैं। ऑप्शन ए है अथॉरिटी रेफर्स टू एन इंडिविजुअल्स ऑब्लिगेशन टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट। ऑप्शन बी है इफ एन एम्प्लॉई इज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ टास्क that employee should be given make decisions within the limits of the task। ये भी correct है। Option C है the detail provided to employee is function of the employee's position with the firm। It's also correct। तीनों options ठीक हैं इसलिए none of the above आएगा। Option D is correct answer। Question number 34, the income statement should be prepared। Income statement जो होती है वो बिफोर दी रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट एंड बैलेंस स्टेटमेंट। हमेशा इनकम स्टेटमेंट, रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट और बैलेंस शीट से पहले तैयार की जाती है। व्यूअर्स रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होती है जिसमें शेयर होल्डर्स को कुछ अमाउंट दे दी जाती है प्रॉफिट में से और कुछ अमाउंट रिटेन कर ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 35, इन अ डिफाइंड बेनिफिट plan the process of funding refers to making the periodic contribution to a funding agency to ensure that funds are available to meet claims। option c is correct answer। viewers मजीद आगे जाने से पहले अगर आप ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। क्वेश्चन नंबर 36, इन अ डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान अ फार्मूला इज यूज्ड दैट। ऑप्शन बी है इसमें करेक्ट आंसर डिफाइन द बेनिफिट दैट एम्प्लॉई विल रिसीव एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। कंट्रीब्यूशन प्लान के बारे में पूछा गया कंट्रीब्यूशन प्लान में कौन सा फार्मूला यूज होता है। वो फार्मूला जो कंट्रीब्यूशन प्लान में यूज होता है वो रिटायरमेंट के बारे में डिफाइन करता है कि रिटायरमेंट के वक्त एम्प्लॉय को कितनी अमाउंट दी जाएगी। Question number 37, which of the following is not a characteristic of a defined contribution pension plan। मंदरजा जेल में से वो कौन सी खसूसियत है, वो कौन सी कंडीशन है जो कंट्रीब्यूशन प्लान का हिस्सा नहीं है। The benefit to be received by employees are usually determined by employers। Three highest year salary defined by terms of the plan। Option D इसका correct answer है। Question number 38, alternative method exist for the measurement of pension obligation which measure require the use of future salaries in its computation। Option A आएगा इसके आंसर में projected benefit obligation। Question number 39, the projected benefit obligation is the measure of pension obligation that requires pension expenses to be determined solely on the basis of the plan formula applied to years of service to date and based on existing salary level। Option C is correct answer। Question number 40, which of the following are incorrect। Viewers ये चार statements दी गई और पूछा गया इनमें से कौन सी statement दुरुस्त नहीं है। Goods sold for cash, इसमें कैश डेबिट है, सेल क्रेडिट है, ये करेक्ट ऑप्शन है। दूसरे में है गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट फ्रॉम टी कार्टर, इसमें परचेज डेबिट है, टी कार्टर जो है ये क्रेडिट है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन सी है गुड्स रिटर्न्ड बाय अस टू सी बैरी, इसमें सी बैरी डेबिट है, आउटवर्ड क्रेडिट है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तीसरी है वैन बॉट फॉर कैश, इसमें परचेज डेबिट है और सेल क्रेडिट है, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन सी जो है इसमें करेक्ट नहीं है इसलिए ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, द पर्पज ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इज एलोकेशन सेविंग एफिशिएंटली। क्वेश्चन नंबर 42, एसेट्स are held for the purpose of earning revenue। एसेट जो होते हैं वो रेवेन्यू अर्न करने के लिए रखे जाते हैं, उनका मकसद रेवेन्यू जनरेट करना होता है। Question number 43. Depreciation is provided on fixed asset. फिक्स्ड एसेट जो है उसी पे डिप्रेसिएशन होती है। जाहिर बात है जब फिक्स्ड एसेट को आप यूज करेंगे तो साल के बाद उसी की वैल्यू कम होगी, इसलिए डिप्रेसिएशन जो है वो फिक्स्ड एसेट पे होगी। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44. डेफर्ड टैक्सेशन इसको यूं कह लें कि डिफरेंस ऑफ एसेट लाइफ पीरियड एंड टैक्स ड्यूरेशन इज कॉल्ड डेफर्ड डिप्रेसिएशन। ये डेफिनेशन जो है ये तीनों ऑप्शंस को मैच नहीं करती, इसलिए नन ऑफ दीज इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 45. प्रोसेस ऑफ कॉस्टिंग इज रेलिवेंट टू। कॉस्टिंग का जो प्रोसीजर है वो सीमेंट इंडस्ट्री, जॉब ऑर्डर कॉस्ट ओरिएंट प्रोजेक्ट्स, इन दोनों से रिलेटेड है, इसलिए ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी इसके आंसर्स होंगे। जी व्यूअर्स, इसके साथ ही हमें इजाजत दें। सीनियर ऑडिटर 2018 पेपर के पार्ट 3 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अगर इस वीडियो के क्वेश्चन में किसी किस्म की मिस्टेक हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।